साथियों, अटल टनल के बन जाने से लाहौल के लोगों के लिए तो नई सुबह ही हुई है, पांगी के लोगों को का जीवन भी बदलने वाला है। 9 किलोमीटर की सुरंग से 45-46 किलोमीटर की दूरी सीधे कम हो गई है। इस क्षेत्र के अनेकों साथियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके जीवन काल में ये अवसर भी उन्हें मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने मरीजों को सर्दियों में किसी के साधन के इंतजार में, दर्द में, पीड़ा में देखा है और खुद भी उस पीड़ा को अनुभव किया है। आज उन्हें संतोष है कि उनके बच्चों को, बेटे बेटियों को वो मुश्किल भरे दिन अब नहीं देखने पड़ेंगे। साथियों, अटल टनल के बनने से लाहौल स्पीति और पांगी के किसान हो, बागवानी से जुड़े लोग हो, पशुपालक हो, स्टूडेंट्स हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी कारोबारी हो, सभी को लाभ होने वाला है। अब लाहौल के किसानों की गोभी, आलू और मटर की फसल बर्बाद नहीं होगी बल्कि तेजी से मार्केट पहुंचेगी। लाहौल की पहचान बन चुके चंद्रमुखी आलू, उसका स्वाद तो मैंने भी लिया है। चंद्रमुखी आलू को भी हम नए बाजार में मिलेंगे, नए खरीदार मिलेंगे, नया पूरा मार्केट मिल जाएगा और नई सब्जियां, नई फसलों की तरह भी इस क्षेत्र में रुझान तेजी से बढ़ेगा। लाहौल स्पीति तो एक प्रकार से औषधीय पौधों और अनेक मसालों जैसे हींग, कुट, मनु, काला जीरा, कड़ू, केसर, पतीस, ऐसी सैकड़ों जड़ी बूटियों का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये उत्पाद देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लाहौल स्पीति की, हिमाचल की, भारत की पहचान बन सकते हैं। अटल टनल का एक और लाभ होगा कि अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पलायन करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस टनल ने जाने का ही नहीं, और ये बहुत बड़े मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, इस टनल ने सिर्फ जाने का नहीं लौट के आने का भी रास्ता आसान कर दिया है।